और यहाँ पर भगवान बुद्ध की जो मूर्ति है, यहाँ पर भगवान बुद्ध का जो भूमि को स्पर्श करने वाला जो हाथ है वो तोड़ा गया है पूरी तरीके से। ऐसे लगता है कि जानबूझकर जो है वो तोड़ा गया होगा। और यहाँ पर उनका पैर भी देखिए आप, सिर्फ पैर और मुंह ऐसे लगता है जानबूझकर जो है उस समय पर तोड़ दिए गए हैं ये शिल्प। क्योंकि यहाँ पर अगर ये नैसर्गिक होता तो इसके दो हिस्से होते या फिर दो चार टुकड़े होते, लेकिन इसे बहुत बेरहमी से तोड़ा गया। यहाँ पर खुदाई की गई थी क्या कुछ, मतलब कुछ खोदे भी देते कुछ दिन पहले? खुदाई नहीं हुआ, कुछ खुदाई उदाई नहीं हुआ, कुछ काम वाम करते समय ऐसा कुछ निकालते समय मिट्टी ले गया था और, लेकिन जो है से बहुत था क्या। सुपबुद्धं पबुज्जन्ति सदा गौतम सावका एसं दिवाच रतोच निचं बुद्धगता सती, जिसकी दिन रात हर समय बुद्ध विषयक स्मृति बनी रहती है वे गौतम भगवान बुद्ध के श्रावक सदैव भली भांति प्रबुद्ध जागृत बने रहते हैं। स्वागत है आपका बोधिसत्व के मीलों मील की ऐतिहासिक यात्रा में। आज हम बिहार राज्य के गया जिले के बोधगया तहसील के गाफा कला इस नाम के ऐतिहासिक गांव जा रहे हैं। यह ऐतिहासिक गांव बोधगया के उत्तर में वजीरगंज से जाने वाले प्राचीन मार्ग पर और पश्चिम में गुरपा की ओर जाने वाले प्राचीन मार्ग पर बसा हुआ है। इस चैनल द्वारा बिहार राज्य के ऐसे सैकड़ों बौद्ध स्थल आपको दिखाए गए हैं जिसका जिक्र किताबों में नहीं है, परंतु वहाँ बड़ी मात्रा में भगवान बुद्ध से संबंधित प्राचीन पुरातात्विक अवशेष बिखरे हुए हैं। यह स्थल उसी में से एक है। हाल ही में प्रसिद्ध चीनी यात्री वेन सोंग इनके यात्रा विवरण का आधार लेकर नवनालंदा महाविहार के संशोधक दीपक आनंद इन्होंने इस स्थली को उदक रामपुत्र इनके स्थल से जोड़ा था। गाफा कला इस गांव के इर्द गिर्द जितने भी गांव है उनमें कुछ ना कुछ पुरातात्विक अवशेष दबे हुए हैं। आम तौर पर बिहार राज्य में भगवान बुद्ध के मुख्य तीर्थ स्थलों को छोड़ दे तो गुप्त और पाल काल से संबंधित पुरातात्विक स्थल पाए गए हैं, जिसमें बौद्ध धम्म की वज्रयान शाखा को बड़ी मात्रा में राज आश्रय प्राप्त हुआ था, जिसके कारण गुप्तों और पालों ने गांव-गांव में प्राचीन विहारों और स्मारकों का निर्माण कार्य किया था, जो मुख्यतः तंत्रयान और वज्रयान शाखा के संबंधित है। इनमें से अधिकतर बौद्ध शिल्प आज हिंदू देवी देवता के रूप में पूजे जाते हैं, जो बोधिसत्व और वज्रयान शाखा की देवियां हैं। हम आए हुए हैं बिहार राज्य के गया जिले के बोधगया प्रखंड के गाफा कला इस गांव में, जहां पर देखिए कुछ पुरातन जो शिल्प जो है, जो अवशेष जो है वे बिखरे हुए। और यहाँ पर ये जो सारे के सारे आप शिल्प देख पा रहे हो, इसमें आम तौर पर भगवान बुद्ध के शिल्प है और कुछ बोधिसत्व के जो शिल्प है वे हमें यहाँ पर दिखाई देते हैं, यानी डेंटी बुद्धिस्ट जो डेंटी है उनके जो शिल्प है वे यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। और स्तूपों के कुछ टूटे हुए जो हिस्से है वो आपको यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। ये पूरा जो है ना, यहाँ पर एक अभी रिसेंटली मतलब प्राचीन काल में एक बहुत बड़ा तालाब था और उस तालाब के सटे यहाँ पर एक बहुत बड़ी सिविलाइजेशन थी, एक सेटलमेंट थी। यहाँ पर ये देखिए, एक तो ये जो है गाफा कला और दूसरा जो है
माना नाम का जो गांव है यहां से 1 किलोमीटर की दूरी पर है, उस यहां पर उस इस गांव में माना में शायद से खेत में कुछ अवशेष जो है वो बिखरे हुए गढ़ था। इस गांव में भी गांव वालों का कहना है यहां पर भी एक गढ़ था और उस गढ़ में इन्हें जो ईंटे हैं जो बड़े बड़े वृक्ष जो है वे मिले थे। तो यहाँ पर देखें, यहाँ पर के पहली मूर्ति देखें, यहाँ पर भगवान बुद्ध की भूभूमि स्पर्श मुद्रा में ये जो मूर्ति आपको दिखाई दे रहे ये बहुत ही विशिष्ट है और यूनिक है, क्योंकि इस मूर्ति में आप यहाँ पर देख सकते हो जो चीवर वाला हिस्सा जो है, चीवर के जो लेयर जो है पैटर्न दिखाई दे रहे और नीचे चीवर जो है मुड़ा हुआ दिखाई दे रहा है। और यहाँ पर भगवान बुद्ध के हाथ के ऊपर आपको धम्म चक्र जो है वो दिखाई दे रहा है और ये हेडलेस है, इसका जो सर है वो टूट गया है, शायद से तोड़ा गया होगा। यहाँ पर का जो प्राचीन स्मारक था उस स्मारक को काफ़ी नुकसान जो है वो पहुँचाया गया है। ये पहला शिल्प देखें और इसके साथ साथ यहाँ पर दूसरा जो शिल्प है इसका, ये सिर्फ पेडेस्टल है, इसकी जो मुख्य मूर्ति रही होगी, देखिए पेडेस्टल है और इसके अंदर मूर्ति अटैच थी। तो ये जो मूर्ति है अभी कौन सी होगी ये संशोधन का विषय है, वे मूर्ति शायद से इस मिट्टी में जो है वे दबी है। और दूसरी मूर्ति देखिए, दूसरी मूर्ति भी यहाँ पर भूभूमि स्पर्श मुद्रा में ही है, जो यहाँ पर लोटस के ऊपर भगवान बुद्ध बैठे और दोनों जगह पर बोधिसत्व पद्मपाणि और बोधिसत्व वज्रपाणि जो है दोनों साइड में वो दिखाई दे रहे हैं, लेकिन वो भी डैमेज हुए हैं, उनका मुँह डैमेज किया गया। और यहाँ पर भगवान बुद्ध की जो मूर्ति है, यहाँ पर भगवान बुद्ध का जो भूमि को स्पर्श करने वाला जो हाथ है वो तोड़ा गया है पूरी तरीके से, ऐसे लगता है कि जानबूझकर जो है वो तोड़ा गया होगा। और यहाँ पर उनका पैर भी देखिए आप, सिर्फ पैर और मुंह, ऐसे लगता है जानबूझकर जो है उस समय पर तोड़ दिए गए हैं ये शिल्प, क्योंकि यहाँ पर अगर ये नैसर्गिक होता तो इसके दो हिस्से होते या फिर 2-4 टुकड़े होते, लेकिन इसे बहुत बेरहमी से तोड़ा गया इस शिल्प को। यहाँ पर देखिए इसका आप दूसरा भी हिस्सा देखिए, इस मूर्ति का वो टूटा हुआ है, ये बाय डिफ़ॉल्ट जो है वो टूटा रहेगा। और यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आपको ये लेक दिखाई दे रहा है, ये जो लेक है यहाँ पर ये लेट ब्राह्मी है, ये लगभग 11वीं शताब्दी के आसपास का होगा, क्योंकि ये जो मूर्ति है ऐसे प्रतीत होती है 11वीं या 10वीं या 11वीं शताब्दी की प्रतीत होती है, क्योंकि यहाँ पर इसकी जो लिपि है वो वही सूचना देती है, क्योंकि पढ़ सकते हैं इस लिपि को, इसके कुछ जो अक्षर हैं वो साफ तौर पर दिखाई दे रहे हैं। और दूसरा जो पार्ट है यहाँ पर आपको स्तूप दिखाई दे रहा है, ये जो है ये ओटी स्तूप है या फिर इसे मनोती कहा जाता है। यहाँ पर इसके ऊपर आपको चारों ओर मूर्तियाँ दिखाई देती हैं, मतलब यहाँ पर जो चार मुख्य स्थान होते हैं या फिर जो चार मुख्य जो भगवान बुद्ध से रिलेटेड उनकी जो घटनाएँ हैं उनको इंगित जो है इन स्तूपों में किया जाता है, जिसके ऊपर आपको यहाँ पर जो ध्यानस्थ अवस्था में जो पूरे शिल्प जो है वो दिखाई दे रहे हैं। और बाकी जो मूर्तियाँ जो है यहाँ पर गढ़ी हुई है इस पूरे क्षेत्र में। और यहाँ पर आप मुआयजा करेंगे तो यहाँ पर ऐसे जो टीले जो है जिसकी ऊंचाई लगभग 6 से 7 फीट की है, तो ऐसे 3-4 जो टीले हैं इस पूरे तालाब में या इस पोखर में जो है वो दिखाई देते हैं। और ये जो पोखर है ये काफ़ी फैला हुआ है, शायद से इसको आधुनिक बढ़ा दिया गया होगा, लेकिन ये जो टीले हैं ये देखिए, पहला टीला और दूसरा टीला और यहाँ पर तीसरा टीला और एक जो यहाँ पर गांव में गढ़ है ना जी, गढ़, तो वहाँ पर से भी जो यहाँ पर जो है पुरातात्विक जो अवशेष है वो मिले हुए हैं। और यहाँ पर खुदाई की गई थी क्या कुछ, मतलब कुछ खोदे हुए थे कुछ दिन पहले? खुदाई नहीं हुआ, कुछ काम वाम करते समय ऐसा कुछ निकालते समय मिट्टी गया था, और लेकिन जो है बहुत था क्या, और था इससे ज़्यादा था। पता है आप लोगों को इसके बारे में कुछ, गांव वालों को पता तो बहुत पहले से है, लेकिन क्या बोलते हैं ये पता है क्या? नहीं, क्या इनको कुछ तो बोलते होंगे ना आपके गांव के लोग, परंपरा पूजा पाठ लोग करता था पहले, क्या बोलते, क्या बोलकर करते थे, कौन से भगवान? ऐसे तो ये लोग कहते हैं कि भगवान बुद्ध के है, अभी तो भगवान बुद्ध की है ये सारी भगवान बुद्ध की है, लेकिन बाबा कुछ और ही बोल रहे थे कि दूसरा कुछ है। वो पत्थर जो गड़ा हुआ है ना वो अलग देवता एक पूजा होता है, लेकिन ये तो भगवान बुद्ध का ही मूर्ति, ये भी भगवान बुद्ध का है, वो भी भगवान बुद्ध का है, वो भी भगवान बुद्ध का है, ये उसके अंदर ना ये बोलते हैं उसको यक्षा बोलते हैं, ये वाला जो देख रहे हो ये यक्षा का शिल्प होता है, अगर वो मिट्टी से बाहर आता तो उसको भी हम पहचान लेते हो कौन सा है। और ये जो देख रहे हो ये स्तूपा है, इसको मनोती स्तूप बोलते हैं। अब इधर जाओगे बोधगया के मंदिर में तो आपको यही पूरे बोधगया के पूरे मंदिर के इर्द गिर्द ना
ऐसे लगाया हुआ है पूरा का पूरा। हाँ, और इसके ऊपर एक ऐसा छत रहता है, ऐसे चक्री 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 वाला इतना बड़ा छत रहता है, वो ऐसा पत्थर में ही रहा है, वो रहा होगा तो यहाँ पे कहाँ पे गिरा होगा, इसके अंदर रहता है वो पूरा रहता है। और ये पूरा स्मारक में रखे जाते थे, एक तो ईंटों के स्मारक बनाए जाते और इससे ज़्यादा मूर्ति था, कुछ लोग ले गया। हाँ हाँ, तभी तो इस यहाँ पर कुछ वैसा इसका ये है क्या, मतलब गैजेट में इसका है कुछ, अपने पंचायत में इसका कुछ ये किया है ना, पंचायत कुछ भी पंचनामा वंचनामा नहीं हुआ ना इसका? और कोई भिक्कू विक्कू आते गाँव में, कोई भिक्कू वगैरह आते देखने, कोई आया था कहीं से? पहले आया था, एक दो आदमी आया था देखने के लिए। इसको हाँ, ये लेट ब्राह्मी है, और ये जो लेख है संस्कृत में है, इसके अंदर ये जो दानदाता है ना, जिन्होंने मूर्ति दान दी थी बनाई थी, उनका नाम आता है जो देते थे, ऐसा मंत्र मंत्र नहीं हो, नाम लिखा हुआ है इस आदमी का, हाँ जिसने दान दिया है वो। हाँ भाई, यहाँ पर प्रॉपर इसको करेंगे तो निकल सकते हैं। देखो ईंटें यहाँ पर, अब ब्रिक्स, ये जो ईंटें हैं ना, ये बड़ी बड़ी ईंट थी, और ये जो ईंट है इसको पाला जो नाम के राजवंश थे ना यहाँ पे, पाला, वो पाला पालों के पीरियड का है, अपने पूरे बिहार राज्य में मतलब इस गया वाले एरिया में ना पाला को पाला का शासन काल था, और पाला के शासन काल में गढ़ था, इसमें कोई राजा रानी रहते थे। यस यस, ईंट जो निकलता है ना बहुत लंबा लंबा, बड़ा बड़ा, इतना मोटा मोटा है, कम से कम एक एक फीट का लंबा, एक फीट से भी ज्यादा, एक फीट से भी ज्यादा ना। हाँ, और चौड़ा भी है जी, गढ़ ऊंचा पे है आगे गांव पे जी, वहाँ पे है रवि, ये पाल काल का है, ये दसवीं से ग्यारहवीं से, वहाँ भी कुछ होगा इसका, होगा होगा होगा, क्योंकि बड़ा था ना आपका गांव जो है ना, एक प्राचीन व्यापारी मार्ग पर है, उस समय पर मतलब आज से हजार साल पहले जब व्यापार होता होगा ना, उस व्यापार वाले मार्ग पर ये गाँव था, मतलब आपके जो पूर्वज जो है वो बहुत पहले से यहाँ पे रहते है, तो उसका ही है ये। और उस समय थोड़ा बौद्ध धर्म जो है पूरे बिहार में फैला था ना, और यहाँ से मंक जाते थे आना जाना, बौद्ध गया से हमारा मकान महाराष्ट्र में, महाराष्ट्र, ये हमारे साथ गया के हैं प्रियांशु जी। आगे भी मूर्ति है। हाँ, और ये नाममा भी है ना उधर, नहीं जानते यही और है, ऐसा ही है क्या? सेम कहाँ पे? आगे वो बारह में नहीं, यही यही फील्ड है, एक ग्राउंड है उसी के पास, ऐसा ही है सेम। अच्छा, कोई दिखाने आएगा तो फिर अच्छा होगा। और गांव में भी है इसको, तो कितना बार उठा पटा के ले गया था, ये बहुत इम्पोर्टेंट है यार। देखिए, अभी हम गांव में आए हुए, और गांव में यहाँ पर एक गढ़ था पहले, और ये जो गढ़ है, इस गढ़ के अंदर से भी यहाँ पर से कई सारे पुरातत्विक अवशेष जो है वे मिले, ऐसा यहाँ पर के गांव लोग, गांव के लोग कहते हैं। और हम यहाँ पर आभार व्यक्त करेंगे श्री मंटू यादव जी का, जिन्होंने हमें यहाँ पर ये जो स्थली है ये दिखाई, और गांव की बहुत सी जो जानकारी है इनके माध्यम से प्राप्त हुई, यहाँ पर जो है जो गढ़ है, गढ़ के बारे में भी इन्होंने जानकारी दी है। तो यहाँ पर भी जो हम देखेंगे, जो शिल्प यहाँ पर हम देख रहे हैं, यहाँ पर एक देखें, एक वज्रतारा का शिल्प दिखाई देता है, और साथ ही साथ यहाँ पर भगवान बुद्ध की जो कुछ खंडित मूर्तियाँ है वो यहाँ पर हमें दिखाई देती है। देखिए, यहाँ पर आपको एक भूभूमि स्पर्श जो मुद्रा में छोटी सी मूर्ति दिखाई दे रही है, उसके बाजू में आपको वज्रतारा की मूर्ति दिखाई देगी, ऊपर भी एक मूर्ति का छोटा सा हिस्सा टूटा हुआ है, और एक भगवान बुद्ध के जो भगवान बुद्ध जो पालथी मारकर बैठते थे, पैरों का जो हिस्सा है वो आपको दिखाई दे रहा है ध्यान वाली मूर्ति का, और एक ऊपर एक विशिष्ट मूर्ति थी जिसके अंदर देखिए यहाँ पर कुछ दान देते हुए उस समय के जो दानी है उनको दिखाया गया। तो यहाँ पर इस गढ़ में इस प्रकार के अवशेष हैं, और सर ने ये भी बताया कि वो गांव में जो सामने रखे जो क्या सुरक्षा करने के लिए जो द्वारपाल, द्वारपाल बुआ हम लोग बोलते हैं, पहले के आदमी इसको बोलते थे कि गांव में सेफ्टी के लिए एक कोई देवता रहते हैं, तो इसके मतलब गांव में एंट्री करने से पहले वो देवता रहता था। अच्छा, वो देवता सुरक्षा करते, हाँ, सुरक्षा करते थे गांव को। तो वो भी यहाँ पर सर ने वहाँ पर के भी शिल्प दिखाए जो कि बहुत ही अच्छा है। और इसके अलावा यहाँ से जो दूसरा गांव कितने किलोमीटर? यहाँ से 2 किलोमीटर दूरी है। क्या नाम है उस गांव? जाने बिहा गांव। जाने बिहा, वहाँ पहले महंत लोग रहते थे, जैसे महंत लोग का मठ भी बना हुआ है। अच्छा, महंत जी लोग? हाँ, महंत लोग, राजा लोग रहते थे इधर ही। जी जी जी, तो वो सब तो अभी चल करके दिखा देते हैं। जी, यहाँ पे कुछ मूर्तियाँ वूर्तियाँ है क्या? हाँ, मूर्ति थी, शंकर जी का मूर्ति इसमें है। ये देखिए, यहाँ पे अभी प्राचीन जो ईटा है जो है ये, हाँ, पहले की ये 25 फीट 20 फीट का था चौड़ा, 25 25 बाई
अभी भी है इसका आगे वाला था बहुत। आइए ना सर, मोटे में आइए। ये पुराना आपको है ये चेयर? अच्छा, ये मतलब इस समय ये समाधि होता था ना सर? हाँ 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 हाँ। यहाँ सन्यासी लोग बहुत पुराना है, तरह तरह का समाधि यहाँ नहीं है, पीछे भी है और उसके बगल भी बहुत तरह का, जो यहाँ लोग मठ में जो मतलब उत्तराधिकारी जो होते थे उसी का जो है सर सर उसी में बनाया जाता है। आगे भी समाधि जो शरीर की उसी पर बना जाता था, मतलब बहुत पुराना इसको माना जा सकता है, इसको कहा नहीं सकता कब से। कुछ पत्थर में ऐसा बना हुआ है गोला गोला आगे में है लिखा क्या हुआ यार? देखिए तो शिवलिंग है बचा हुआ, शिवलिंग है भगवान शिव का ही। ये हाँ, इसमें ईटे ईटा ईटा उसी समय के सब पुराने का उसी बना हुआ, उसी में बना हुआ है, पुराने का बना हुआ, अलग अलग समय का ईटा है ना। अंदर भाई घुसी तो भाई चलो आओ। हाँ ये सीधर में इसको दिखाओ, इसको आइए यहाँ पर देखिए। ये जो मूर्ति है ना, ये सारनाथ वाला मूर्ति ऐसा करके बैठते हैं, ऐसा सारनाथ वाला, ये ध्यान वाला है। और उस उधर दूसरा है कौन सा? इधर इधर भी वो ध्यान वाला है, देखो आपके यहाँ पे देखा ना आपने, ये उसी का हिस्सा है। तो इसको पेंट किया है ना इसकी वजह से। क्या बोलते बनते जी आप इसको गुरजा इसको? हाँ कौन सा मूर्ति? इसको सीखने का तो बोलता ही है, लेकिन तरह ऐसा देखा देखा क्या आपको शिवलिंग समझिए इसको ये चीज़ है, लेकिन तरह इसी तरह। अब देखिए इस बात को दिखाते हैं तुरंत, तरह तरह के इसको दिया हुआ है। इसे कैसे वहाँ पर है आज की बनारस को देखिए तो आप ऐसे गूगल पे सर्च कर रहे हैं ओटीओ तो आपको ये मिल जाएगा पूरा का पूरा। इसका स्ट्रक्चर ऐसा रहता है, आपको दिखा देते हैं, ये ऐसा स्ट्रक्चर जो है ना ये पूरे में अच्छा ऐसे स्ट्रक्चर में पूर्ण आकृति आकार देख रहे। ये चीज़ है? हाँ देखिए ना ये चीज़ है, ये जो है ना ये वाला पोर्शन है इसका, इसका निचला पोर्शन है। नहीं देखिए ना दूसरा भी देखिए, आपको दूसरा भी दिखा देते हैं। देखो ऐसे ऐसे अलग अलग मेरे शेप में देते हैं और वही ऐसे रहते हैं को दिखा देते ऐसे ना जस्ट लग रही है। खेती बात होता था ना ये सब होता था, अभी बंद होके ज़्यादा समय नहीं हुआ मतलब ये। हाँ और इसमें अंदर एक रखी हुआ देखो क्या ये इसी में काली मंदिर था मतलब नीचे। हाँ इसी मतलब मेन हाँ इसमें पूजा होता था, इसमें पूजा एक मतलब दशहरा में जो है आपको एक सप्ताह पूजा इसके नीचे ये भी रास्ता भी होगा, क्योंकि ये ऐसे मठों में क्या होता है जो अभी ये तो ये किया है, लेकिन निचला भी ये होता है इसके तलघर होता है, तलघर तलघर वो है, तलघर तलघर है ना। माय घर था यहाँ, वो था क्या था ई था और क्या था बोलो? वही तलघर है। हाँ तलघर ये माय का घर अभी यहाँ पर है ये। अच्छा बहुत से हम लोग 10 दिन पहले वो दशहरा पूरी खाते थे सब पूजा पाठ सब याद हमको। है ठीक है ऐसा कर बगल भी जानवर रहता था, हाथी रहता था वहाँ पे देखा? नहीं 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 हम महाराष्ट्र से बिलोंग, महाराष्ट्र महाराष्ट्र का बिहारी नहीं आता। अच्छा अब देख रहे भाषा हिंदी आता है प्रॉपर? नहीं ठीक बोल तो हिंदी अच्छा बोल रहा है। हां ये नहीं आता थोड़ा सा, मगी बोलते हो ना पादा मगी है ना मगी। हां देखिए यहाँ पर अभी हम मठ के पीछे आए हुए हैं, ये इसको ये क्या कहते हैं इसको आप लोग? ये कुछ ऐसा ही है इसके मतलब समाधि टाइप लग रहा है। ये किसकी समाधि थी क्या ये पहले? नहीं नहीं समाधि नहीं था, समाधि नहीं, नहीं है तो पुराना पुरातत्व तो समझिए कि पुराने चीज का यदि अवबुद में ये मठ के मतलब मठ से ये बना हुआ है, मठ से बना हुआ है। देखिए यहाँ पर इसके अंदर आपको ना पाल काल की ईंटें दिखाई दे रही है, देखिए बड़ी बड़ी है, देखिए बड़ी ईंट यहाँ पर आपको दिखाई देगी काफी चौड़ी है। पाल पाल वंश, पाल वंश, पाल वंश, हाँ 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 औरंगाबाद औरंगाबाद
ये पाल वंश का है। ये पाल वंश के समय के जो वृक्ष है, यानी 10वीं शताब्दी की जो ईटाएं है वो दिखाई दे रही है। और साथ ही साथ यहाँ पर एक दो पैनल है बड़े बड़े, जो कि यहाँ पर प्राचीन काल में जो बड़ा मठ था उस मठ में लगे हुए थे, जिसके अंदर देखिए भगवान बुद्ध की जो ध्यान वाली मूर्तियाँ जो है वो यहाँ पर दिखाई दे रही है। दो पैनल है बड़े बड़े, विक्रमशिला जी, हाँ जी, वही उनका यहाँ पे शासन था। विक्रमशिला का इसका बहुत बड़ा थी। हाँ जी, देखिए यहाँ पर आप ये दूसरा पैनल देख पा रहे हो, इसके अंदर भी सेम एज इट इज़ जो है और ध्यान जो मूर्ति है भगवान बुद्ध की वो दिखाई दे रही है। और जो दो पैनल है यहाँ पर देखिए, ये लगभग 5-1 इंच का है ऐसे, और 1.5 फीट का लंबा है। इसकी चौड़ाई 5 इंच की है और चौड़ाई जो है 1.5 फीट की चौड़ाई इसकी दिखाई दे रही है। दो पैनल है, तो इस दो पैनल जो है ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। और हमने वृक्ष देखे वो भी बहुत ही प्राचीन है। और क्या है यहाँ पर आगे पीछे में है? तो वैसे पहला हुआ है ना ऐसा, यही सब ये तो मठ का आगे पीछे भी बना। आपको पूर्व, आपके जो पुरखे क्या बोलते थे इसके बारे में, आपके पूर्वज आपके गांव के? हम लोग में इसको क्या बोलते हैं, कौन देवता बोलते हैं? मालदानी मतलब जिसके मालदानी मतलब समझिए कि समझ संपत्ति की रक्षा करता इसको बोलते हैं। बाहरी कोई आक्रमण देवी देवता लोग कैसे करते हैं, सुरक्षा रखते हैं, उस तरह इसको मालदानी लोग बोलते हैं। मालदानी लोग ऐसा बोलता है कि रात में का तो लोग पहले पुराना कि मतलब रात में मतलब जब था तो उसमें बोलता था। क्या बोलता था? किसी प्रकार को गलती करता था मतलब गलत इसमें करता था उसका मतलब ये करता था। अच्छा, आवाज सुनाई देता था। इसे पहले शुद्ध था ना, पवित्र था। हाँ, इसको पवित्र माना जाता, बहुत पवित्र माना जाता था, लेकिन बाद में भ्रष्ट हो गया। भ्रष्ट क्या, पुराने ना है भ्रष्ट जी जी, मतलब बाद में तोड़ दिया, टूट गया, तब लोगों ने उसको मानना छोड़ दिया, डर निकल गया लोगों का मन का, है ना, वो खत्म हो गया, सब चल गया। हाँ, हर चीज का वास होता है ना, अच्छा जगह रहता तो वहाँ वास होता है। जी 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 जी, तो फिर सारा चीज निकल जाते हैं। अभी तो सारा ही टूट गया, पूरा निकल गया लगता है। और कुछ निकलेगा यहाँ पर जब खुदाई विदाई करते, तो कुछ सिक्के बिक्के या फिर ऐसा और निकलते? खुदाई तो अंदर कुछ हुआ नहीं है। अच्छा, कुछ ऐसा नहीं जैसे कल टूट गया।